हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन रेसिपी चिरोटे। इसे हिंदी में खाजा भी कहते हैं। आइए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप बारीक वाली सूजी, 1 पिंच नमक, 1/2 कप बूरा चीनी या सादी चीनी पिसी हुई, तलने के लिए तेल, 3 टेबलस्पून घी और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। सूजी और मैदा मिला लिया है, उसमें नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून घी विदाउट मेल्ट किए इसमें अच्छे से मिला लीजिए। मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही डाल दीजिए और अच्छे से मैश कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लीजिए। इसमें हमने सूजी डाली है इसलिए थोड़ा पानी थोड़ा ज्यादा डालिएगा इस समय, क्योंकि जब हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे तब इसकी सूजी फूल जाएंगी और आटा थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा डालिए और सॉफ्ट आटा तैयार करिए और सेट होने के लिए कम से कम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। आटा तैयार हो गया है, अब हम इसे ढक के 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने दूसरे बाउल में डाल लिया है और अब कॉर्नफ्लोर और बचा हुआ घी, घी को हमने मेल्ट नहीं किया है, इसे मिला के अच्छे से फैट लेंगे। ये एकदम फ्लफी हो जाएगा, इतनी देर तक इसे फैटना है, ये एकदम स्मूथ हो जाए। इसमें थोड़ी हवा भर जाती है, उसकी वजह से चिरोटे बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए एक स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। ये इतने आटे के लिए काफी है, हम इसकी 5 रोटी बनाएंगे इस आटे की और उसमें लगाएंगे, उसके लिए इनफ है। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो ज्यादा ले लीजिए और अच्छे से फैट लीजिए और एक छोटा बाउल लीजिए, उसमें पानी में इस फ्लफी बैटर को डाल के देखिए। अगर ये नहीं डूब रहा है इसका मतलब ये तैयार है हमारे चिरोटे के लिए। देखिए मैं पानी में डाल रही हूँ फिर भी ये ऊपर ही आ जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम आटे को थोड़ा सा अच्छे से सान लेंगे, फिर से हाथ से प्रॉपर कर लेंगे इसे और छोटे छोटे 5 लोई तैयार कर लेंगे और इन सभी लोइयों की रोटी बेलेंगे। पतली रोटी बेलना है हमें यहाँ पे, एकदम मोटी रोटी नहीं बेलना है। सूखा मैदा लगाते जाइए और बेलते जाइए और सभी एक साथ बेल के रख लीजिए, उसके बाद हम चिरोटे तैयार करेंगे। देखिए एक तैयार हो गई है, इसी तरह से हम सभी तैयार करके रख लेंगे और फिर एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर हम ये जो हमने फ्लफी बैटर तैयार किया था उसे लगा लेंगे। इसे हम साटन भी कहते हैं मराठी में और इसे पूरा अच्छे से लगा लिए, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। दूसरी रोटी भी रख दी है, उसके ऊपर भी लगा लीजिए, तीसरी रख दीजिए उस पे भी लगा लीजिए। इसी तरह से सभी रोटियां एक पर एक रखते जाइए और ऊपर से इस बैटर को लगाते जाइए। ये हमने सबसे लास्ट वाली 5th रोटी भी रख दी है और उसके ऊपर भी अच्छे से इस बैटर को लगा लिया है और अब हम इसका एक रोल तैयार करेंगे। एकदम टाइट रोल तैयार करना है हमें। देखिए परफेक्ट उतना ही तैयार हुआ था, फ्लफी बैटर जितना हमें चाहिए था और हो गया है। अब हम इसकी टाइट रोल तैयार कर लेंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हमें 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। इसका टाइट रोल तैयार हो गया है। अब आपको जितने बड़े चिरोटे चाहिए उस हिसाब से इसके कट्स कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े कर रही हूँ और इसको हमने 1/2 घंटा फ्रिज में रख दिया है और फ्रिज में से निकालने के बाद इसकी छोटी छोटी पूरी बेल लीजिए। बहुत ज्यादा पतली नहीं बेलना है, थोड़ी सी मोटी रखना है, रोटी जैसी रखना है और सभी बेल के तैयार कर लीजिए और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए या फिर आप घी में चाहते हैं तो घी में तल लीजिए, पर रिफाइंड ऑयल में भी अच्छा लगता है। और लो मीडियम फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से पलट पलट के तल लीजिए।
तलने के बाद हमें इस पे पिसी हुई चीनी लगानी है। वैसे मैं यहाँ पिसी हुई चीनी ही यूज कर रही हूँ, बूरा चीनी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। और गर्म चिरोटे पे ही हमें चीनी लगानी है या फिर बूरा चीनी लगानी है। देखिए परफेक्ट तैयार हो गया, इसमें कितने सारे लेयर्स बन गए हैं और ये बहुत खस्ता बना है, इसे हम हिंदी में खाजा भी कहते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इस पे चीनी डाल लेंगे। मैं यहाँ पे चाय की छन्नी यूज कर रही हूँ, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। बूरा चीनी डालने के कारण इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि बूरा चीनी पिसी हुई चीनी से टेस्टी लगती है। लीजिए तैयार है हमारे चिरोटे, इसे एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए और 15 से 20 दिन तक इसे रख सकते हैं। रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।